लड़कियों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए। और लास्ट वाला बहुत ज्यादा कमाल है, इतना कमाल कि अगर किसी पत्थर को सुनाओगे तो वो मोम की तरह पिघल। फॉर एश्योरेंस इन देयर पार्टनर, दोस्तों जब भी कोई फीमेल आपसे डीपली लव करती है तो उस लड़की को आपकी ये चीज बहुत ज्यादा तंग करती रहती है कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़की ना हो, और आपको जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत डीपली चेक करती है, आपको मोबाइल चेक करना, आपका एसएमएस चेक करना, ये जानने के लिए कि वो सिक्योर है या फिर नहीं है। और अगर कोई ऐसे फीमेल आपका फ़ोन चेक करती है अपने दोस्तों के जानने के लिए कि आप किस किस से दोस्त बात करते हो, तो ये अच्छा इशारा होता है कि वो लड़की आपको चाहती है। सो ऐसे में आपको चाहिए कि उसके सब डाउट्स क्लियर करें और उसका साथ दें इस चीज़ में। शी इज़ कॉन्स्टेंटली मिसिंग यू। दोस्तों अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से वो पूरा दिन आपको मिस करती रहेगी, मतलब कि आपके बारे में ही सोचती रहेगी। और अगर वो लड़की आपको ऐसे मजाक में भी कह देती है कि मैं आपके बारे में सोच रही थी, तुम्हें मिस कर रही थी, तो आपने भी सामने से कह देना है कि सीरियसली मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, और ये चीज़ लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। शेयर हर फीलिंग्स ईजीली। दोस्तों इस चीज की वजह से काफी ज्यादा जो मेल्स होते हैं वो डाउट में रहते हैं कि वो लड़की इसको पसंद करती भी है या नहीं करती, वो हाँ करेगी या फिर ना करेगी, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं अगर किसी लड़के से सच्चा प्यार करती हैं तो वो काफी ज्यादा टाइम लेती हैं और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो इजीली नहीं बयान करती, क्योंकि उनको इस चीज का डर रहता है कि अगर वो लड़कियों ने अपनी फीलिंग्स बता दी देन बाद में उन लोगों को इस चीज का पछतावा ना रहे, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को इजीली किसी भी लड़के के साथ शो नहीं करती। शी बिहेव लाइक अ बेबी। दुनिया की हर लड़की अपने पार्टनर की कंपनी को एंजॉय करती है जब वो अपने ट्रू लव के साथ होती है, तो उसके अंदर को जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाता है, वो एक बेबी की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। और जब कभी वो लड़की सैड होती है, डिप्रेस्ड होती है, जब भी अपने पार्टनर को देखती है देन वो खुश हो जाती है। शी पे अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स। जहां पर मेल छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वहां पर फीमेल्स ध्यान से बारीक चीजों पर भी नजर रखती है, लाइक हेयर कटिंग, लिपस्टिक, नेल्स, इन सब चीजों पर। और जब कभी आपसे लड़की पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, दैट्स मीन उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स नजर आएंगी। और अगर कोई लड़का ये चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको नहीं मालूम चल रहा कि लड़की में क्या चेंज है, तो लड़की इसमें एक दुख फील करती है कि लड़का उसे सच्ची मोहब्बत नहीं। शी लाइक्स योर अटेंशन। फीमेल को अपने पार्टनर की अटेंशन पाना बहुत पसंद होता है। अगर आपको प्रॉपर अटेंशन देते हैं अपने पार्टनर को, उसकी केयर करते हैं, तो लड़कियों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद रहती है। स्टडी में ये चीज मालूम चली है कि जो लड़के लोग अपनी फीमेल से प्यार करते हैं और हर टाइम प्यार का इजहार करते रहते हैं तो वो कपल्स बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी। जो लड़कियों लोगों को पसंद करते हैं लड़के, और अगर उनके साथ लॉयल रहते हैं और लड़की को भी ये चीज़ का बिलीव हो जाता है कि लड़का उसके साथ लॉयल है, देन लड़की उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाती है। और कॉन्फिडेंस की बात करूं, जो लड़की को ये चीज़ मालूम चलती है कि उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, देन वो और ज़्यादा प्यार करती है, बिकॉज उसको पता होता है अगर कभी कल को मुश्किल आती है देन वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। जब कोई लड़की आपको चाहती है वो आपसे हल्की फुल्की लड़ाई शुरू कर देती है, और अगर आप दोनों में लड़ाई नहीं होती तो स्टडी के हिसाब से आपका प्यार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाई पिच वॉइस। दोस्तों जब किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है तो वो लड़के से बात करते टाइम उस लड़की की आवाज की जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा हो जाता है और जो लड़के का होता है वो कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, मेक हर प्राउड। ये सबसे मेन चीज है। जब भी किसी लड़की से आप प्यार करते हो और आप जब तक उसको प्राउड फील नहीं कराओगे, मीन के जितनी भी लड़कियां चाहे आपको नजर आ जाए, आपने किसी की तरफ नहीं देखना, आपके लिए एक वो एक क्वीन होनी चाहिए, सिर्फ वही और कोई नहीं। ये चीज लड़की को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराती है कि उसका जो पार्टनर है उसके साथ बहुत ज्यादा लॉयल है और वो आपके साथ हमेशा के लिए खुश रहेगी। क्या आपको पता है कि चांद का डायमीटर कितना है, और क्या आप लोग ये चीज जानते हो कि अगर हम लोग चांद को अमेरिका में फिट करें तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा, और क्या आप लोग ये चीज जानते हो कि जो मार्स है और जो हमारा अर्थ है इन दोनों के दरमियान कितनी ग्रेविटी का फर्क है, और क्या आप लोग ये चीज जानते हो कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उससे बाहर जाने के लिए हमें कितने लाइट ईयर्स का सफर करना पड़ेगा, और टोटल जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कितनी ज्यादा गैलेक्सीज है। आज की वीडियो में बहुत अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। जानते हो कि इंडिया के इस आदमी की $2,00,000 की लॉटरी का मेल आया था इस बंदे को, और ये बंदे ने उसको मजाक समझकर डिलीट कर दिया, पर ये चीज हकीकत थी, पर इसका नसीब अच्छा था क्योंकि ये बंदे को फौरन उसके बाद कॉल आई और इसको बताया गया कि आपकी $2,00,000 की लॉटरी लगी है और ये इनाम उसको मिल गया। फैक्ट नंबर 14, क्या आप लोग जानते हो कि डॉग के हंसने की आवाज़ जो होती है उससे हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, इमोशनल हो जाते हैं, और उसको देखकर या फिर सुनने के बाद जो हमारा ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप लोग जानते हो कि जो चांद है वो अर्थ के पानी को कंट्रोल करता है, बिकॉज चांद की जो ग्रेविटी है वो ओशन पर पूरी असर करती है,
अभी ये चीज सुनने में और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, पर इतनी ज्यादा है नहीं क्योंकि जमीन की ग्रेविटी उसके मुकाबले में काफी ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोग सेफ हैं। जानते हो कि एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि जो एक एवरेज इंसान होता है जिसकी एज 70 साल होती है, तो वो 70 साल में से एक साल जो है वो जस्ट लड़कियों को घूरने में गुजार देता है। आप लोग जानते हो कि नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है काफी ज्यादा करप्ट है। उसमें एक मरतबा क्या हुआ था कि एक लीडर से पूछा गया था कि तुम्हारे फंड के पैसे क्यों कम है। वो बंदे ने पार्लियामेंट में बेहोश होने का ड्रामा कर लिया था। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। जानते हो कि अगर आप लोगों को कोई आइडिया सोचना है, कुछ सोचना है, देन आप लोग उसको गुस्से में सोचें। एक स्टडी से मालूम चला है कि जब भी कोई लोग एंग्री होकर सोचते हैं देन वो 78% यूनिक होता है। अब गुस्से में लिया डिसीजन गलत होता है ना कि जो आप लोग सोच रहे हैं वो। अभी ये दोनों चीजों में काफी ज्यादा फर्क है, लाइक डिसीजन लेना और चीज होती है, सोचना अलग चीज होता है। तो एंग्री होकर सोचना चाहिए ना कि डिसीजन लेना चाहिए। मजे का फैक्ट है जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, क्या आप लोग जानते हो कि आप जब फ्लाइट में सफर करते हो तो वहां पर आप लोगों का वजन कम रहता है, कुछ भी खाते हो उतना ज्यादा असर नहीं करता क्योंकि वहां पर ग्रेविटी काफी ज्यादा कम रहती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोग जानते हो कि थाईलैंड का एक किलर ऐसा था जो लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडी को लेकर आता था और वो रोड पर फेंक देता था। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट ने वो किलर को मारा तो उसको भी बिल्कुल वैसे रोड पर फेंक दिया ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान बन सके, और वो बंदे को स्टीव ब्रूस के नाम से लोग जानते थे। क्या आप लोग जानते हो कि यूएसए में फुटबॉल को शूसर कहा जाता है जबकि यूके में फुटबॉल ही कहा जाता है, और क्या आपको पता है कि जो यूएसए में फोन है उसको सेल फोन कहते हैं जबकि यूके में मोबाइल कहते हैं। अभी यहाँ पर दोनों कंट्रीज में इंग्लिश ही बोली जाती है पर दोनों में काफी ज्यादा फर्क है, और जो पाकिस्तान में यूज की जाती है इंग्लिश वो यूके वाली की जाती है ना कि यूएसए वाली। क्या आप लोग जानते हो कि नासा ने 1977 में स्पेस में अपना एक रॉकेट भेजा था जिसका नाम वॉयर 1 था, और 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में देखा गया था कि वो हमारी स्पेस से 22 अरब किलोमीटर दूर है। 22 अरब किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी यूनिवर्स के जितने भी इमेजेस हैं, जानते होंगे जो हमारा अर्थ है वहाँ से हम लोग सिर्फ एक चांद को देख सकते हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें 79 मून है। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, जियोपिटर, जिसमें 9 अरब और 70 लाख किलोमीटर का फासला है हमारे अर्थ से, तो इसमें 79 मून है, और मरकरी वेनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें कोई मून नहीं है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग जानते हो कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है जो कि उससे 10% नीचे है। लाइक उससे बड़ा एक और पहाड़ भी है जो कि 3% ज्यादा है माउंट एवरेस्ट से, और ये पहाड़ ओलंपस मून पर मौजूद है। जो हमारा अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, और हमारा सोलर सिस्टम भी, ये गैलेक्सी 105,700 लाइट ईयर जितनी बड़ी है। मीन की अगर हम लोग 105,700 लाइट ईयर सफर करें देन हम लोग इस मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जा सकते हैं, और हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आपको ऑलरेडी मालूम होगा, और अभी तक साइंटिस्ट लोग ने जितनी एक रिसर्च की है उस हिसाब से इस यूनिवर्स में 125 अरब गैलेक्सीज है पूरी यूनिवर्स में, जो कि बहुत बड़ा नंबर, वजन अर्थ पर 80 किलो है, तो अगर वो मार्स पर चला जाए तो उसका 60% कम हो जाएगा, उसका वजन सिर्फ 48 किलो होगा, वो इस वजह से क्योंकि मार्स की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोग जानते हो कि जो चांद है उसका डायमीटर 3,474 किलोमीटर है, अगर हम लोग उसको अमेरिका में फिट करें तो वो आराम से फिट हो जाए, और उसके बाद भी अमेरिका में काफी ज्यादा स्पेस बच जाएगी। 6 दिसंबर 2000 में ऐसा क्या अमेजिंग हुआ था जो काफी कोई लोगों को नहीं पता, और क्या आप लोग जानते हो कि कॉमेडी शोज के रिलेटेड ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको आज तक नहीं बताई गई। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि ये जो हम लोग खाने पकाने में ऑयल यूज करते हैं आप लोग इसे घूमने जा सकते हो। अभी हाल ही में कुछ एयरलाइंस कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो लोग ने पेट्रोल नहीं बल्कि ऑयल यूज किया और प्लेन उससे उड़ने लग गया, और ये उड़ान कोई छोटी सी नहीं थी बल्कि ये सर से पता चला है कि जो कोई लोग अपनी एज से कम एज के लगते हैं, लाइक उनके फेस लुक्स ऐसी होती हैं कि वो एज के मालूम नहीं होते, तो ऐसे लोग दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा जीते हैं। आप लोग कॉमेडी शोज के फैन हो तो ये चीज आपको हर्ट कर सकती है क्योंकि वहां पर ऐसा सीन होता है कि समटाइम्स जोक्स बिल्कुल सिली होते हैं देन उसके बाद भी लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग उनको बाद में हंसाते हैं, और वो लोग जो वहां पे बैठे होते हैं मैक्सिमम टाइम्स उनको पैसे दिए जाते हैं ऐसे फालतू जोक्स पर हंसने के लिए।
एक ऐसा परिंदा होता है जो सारी लाइफ उड़ते हुए रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चिड़िया जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, ये एक ऐसा परिंदा है जो 6 साल तक लगातार उड़ सकता है। लोग जा रहे होते हो और कोई बंदा आपके पाँव के ऊपर पाँव रख देता है और वो सॉरी भी नहीं बोलता, ऐसे चला जाता है। पर ये बंदे ने एक ऐसी डिवाइस रखी है, ऐसी डिवाइस बनाई है कि अगर कोई बंदा आपके पाँव पर पाँव रखता है देन वो बंदा वहीं पर स्टक हो जाता है और जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा वो वहां से नहीं जा सकता। अमेजिंग फैक्ट है, क्योंकि हर रोज बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, पर 2000 में 6 दिसंबर वो वह दिन है जहां पर पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और सारे दिन पैदा हुए थे और जनवरी में तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे। इवन रिसर्चर्स के हिसाब से सबसे बच्चे ज्यादा जो पैदा होते हैं वो जून जुलाई के टाइम पर होते हैं, पर 6 दिसंबर 2000 में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, फिर चाहे वो कोई विलेज हो या कोई शहर हो। फैक्ट है, क्योंकि जापान में लोगों को जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, कॉज वो लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं और उन्हें लगता है कि ये शराब जो है हमारी हेल्थ को काफी ज्यादा ओके रखती है। बहुत ही कमाल का फैक्ट है, इस बात को गौर से देखें, यहाँ पर दो छोटे छोटे नॉर्मल बॉल्स हैं पर जब भी हम इसको हिलाते हैं वॉच को तो देन ये दो बॉल्स टाइम बना लेते हैं कि उस टाइम पर क्या टाइम हो रहा है रियल में। ये काफी कूल है, काफी क्यूट सा फैक्ट है। जब चिड़िया के बच्चे ताजा ताजा उड़ना स्टार्ट करते हैं तो इन्हें क्या लगता है कि कोई दाना लेकर आएगा और इनके मुंह में डालेगा, कॉल जब ये पैदा होते हैं तो चिड़िया इनके मुंह में जाके इनको खुराक देती है और उनके माइंड में ये चीज होती है कि इंसान भी बिल्कुल वैसा करेंगे। फैक्ट नंबर 11, एडिडास और गुची ने मिलकर एक अजूबा तैयार किया। उन लोगों ने एक छतरी बनाई है यानी कि अम्ब्रेला, जिसकी कीमत है 1,30,000 रुपए। इसकी ये खास बात है कि ये आपको धूप से भी बचाएगी और बारिश से भी। मेन के ये एक ट्रांसप्लांट छतरी है जो कि धूप में ब्लैक हो जाती है खुद ब खुद और जब बारिश होती है देन ये वाइट हो जाती है। क्या आपको पता है कि ग्लासेस को शुरू में फैशन के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि जो लोग वर्कर्स होते थे और धूप में काम करते थे या फिर ज्यादा रोशनी में काम करते थे तो उनकी आंखों को ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए ग्लासेस बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 10, इस डिश को गौर से देखें, ये कोई रियल नहीं है बल्कि प्लास्टिक की है जो कि एक पीस है लाइक सिंपल जो हम लोग शो के लिए यूज़ करते हैं, पर ये चीज़ जापान के रेस्टोरेंट्स में पाई जाती है जो कि जब कोई नया बंदा आता है और वहाँ पे उनको मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि ये चीज़ दी जाती है ताकि उसको अंदाज़ा हो सके। अगर सबसे अमीर तरीन आदमी है, अगर ये बंदा अपनी दौलत का 99.9% भी खो दे देन फिर भी इसके पास $1.4 million बचते हैं और लास्ट ईयर एलन मस्क ने $200 million की कमाई की जो कि बहुत ज्यादा होती है और इस बंदे को दुनिया का बहुत गजब का फैक्ट है। एक सर्वे के हिसाब से मालूम चला है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ होता है देन वो पिज्जा ज्यादा खाता है और ये चीज का एक्सपेरिमेंट 100 से ज्यादा लोगों पर किया गया है। फैक्ट नंबर 7, आज के टाइम पर भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी सिमुलेशन में जी रहे हैं, मतलब कि उनकी लाइफ कोई कंप्यूटर गेम है और कोई और गेमर या फिर कोई पायलट उनकी गेम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि वो आज के टाइम पे आप लोगों ने एलेक्सा यूज की होगी पर शायद आपको ये चीज मालूम नहीं होगा कि एलेक्सा इसका पहला नाम क्या था और इसका नाम एलेक्सा कैसे पड़ा। तो स्टार्ट में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रा। इस लाइब्रेरी में दुनिया भर की नॉलेज पाई जाती थी पर वहाँ पर एक टाइम के लिए क्या हुआ कि उसमें आग लग गई और वहाँ पे क्या था कि कोई भी सवाल पूछा जाता तो हम लोगों को उस चीज़ का जवाब मिल जाता होता था। देन वो लाइब्रेरी को रीबिल्ड किया गया और उसका नाम एलेक्सा रखा गया। कर पीछे तक नहीं देखते और पैसों को गले लगाते हैं, इवन समटाइम्स क्या होता है कि लोग पैसे के चक्कर में मौत के मुंह तक चले जाते हैं और जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, पर शायद ये चीज काफी लोगों को नहीं पता। जो कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं वो लोग मौत से भी नहीं डरते, दूसरे को हराने के चक्कर में खुद मौत को गले लगा लेते हैं। बहुत गजब का फैक्ट है कि हांगकांग के एक आदमी ने जस्ट एक नंबर प्लेट को खरीदने के लिए $3.2 million खर्च कर दिए और जस्ट उस पर एक खास बात थी कि वहां के नंबर प्लेट में आर आता था और वो लोग के हिसाब से आर जो होता है वो समटाइम्स ऐसे ख्वाब वगैरह होते हैं जिनको देखने के बाद हम लोगों को लगता है कि वो रियल है और हम लोग वो काम रियल में करते भी होते हैं। लाइक आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा और उस चीज़ के बारे में हम लोग भूल गए देन उसके एक वीक बाद या 2-4 दिन बाद हम लोग वो काम रियल में करते हैं। ऐसे ख्वाबों को साइंटिस्ट लोग ये मिड वाला गोल बॉल देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये किस लिए बनाया जाता है? अगर तो आप लोग समझते हो कि इसको फैशन के लिए बनाया जाता है तो देन आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये इसलिए बनाया जाता है कि समटाइम्स गर्मियों में पसीने की वजह से हमारा हाथ फिसलता है देन इसकी वजह से साइकिल कंट्रोल में रहे ये बीच में बॉल बनाया जाता है। होप के वीडियो पसंद आएगा, चलो तो लाइक कर दो, कॉमेंट डाउन कि आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था।
सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। और एक बोनस फैक्ट बताऊं कि सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसके पैसे नहीं लगते।